जी बिल्कुल, लास्ट टाइम भी मैं मुंबई वॉरियर्स में ही थी और इस बार भी मैं मुंबई वॉरियर्स में ही हूँ। लास्ट टाइम मस्तराम नाम था हमारा और इस बार हम वॉरियर्स हैं, तो हम वॉर के लिए आए और ज़रूर जीतेंगे। जी मैंने खास तैयारियां नहीं की है, मैं कोई प्रैक्टिस पे भी नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन हमारी टीम बहुत जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही है एंड होपफुली इस बार जीत हमारी हो। मेरे टीम में आई थिंक लगभग 16 लोग हैं, 14 से 16 लोग हैं, कुछ खेल रहे हैं कुछ नहीं खेल रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा। Well, I am a member of Mumbai Warriors now और आज ही मैंने anthem गाया है। I've just recorded the anthem, so I'm really excited to be a part of Mumbai Warriors and I'm sure we're gonna win. Look at this team. क्या धमाल करने वाले हैं? गाना बजाना और कुछ क्रिकेट? नहीं नहीं। कौन-कौन लोग हैं इसमें अगर बात करें? So there's Shaleen, there's Karan, there's Digangna. Digangna के साथ तो मैंने काम भी किया हुआ है वीरा में, सीरियल वीरा में I did a cameo appearance. So I'm really happy that some people I know out here and some people I'm going to get to know. बहुत enthusiastic team है, बहुत मजेदार team है। Digangna Suryavanshi। बहुत excitement है because BCL का जोश बहुत ज़्यादा है और मैं खुद भी बहुत excited हूँ। Cricket में मेरा खास interest, you know, मैंने cricket पहले कभी नहीं खेला था, so BCL के कारण वो cricket वाला जोश भी, you know, बहुत ज़्यादा आ गया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा खेलूँ। प्रैक्टिस शूट के कारण थोड़ी सी यू नो कम होती है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिस के बाद मैं ज़रूर रिहर्स कर पाऊँ। आर्टिस्ट की लाइफ के लिए आप कह सकते हैं एक ब्रेकर है, बिकॉज आप रोज़ शूट करते हो, रोज़ इवेंट्स या यू नो कुछ ना कुछ होता रहता है, सो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा ब्रेक हो सकता है कि आप शूट से स्विच करके कुछ और करो, सो बड़ा मज़ा आ रहा है। मुस्कान है, क्रिस्टल है, गौरव है, नवीना है, बहुत सारे लोग हैं, निकुल है, मज़ा आएगा। हम शो कोच के साथ तो बहुत कम टाइम स्पेंड किया है मैंने, जितेंद्र जी है। सो हाँ मुंबई वॉरियर्स में तो वीरा से कोई भी नहीं है, बट हाँ मेरे वीर जी भी खेल रहे हैं एक टीम से, सो आप कह सकते हैं कि हम दोनों में टक्कर होने वाली है। कैसे सपोर्ट करेंगे आप? स्पोर्ट्स मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छा खेलूँ। कहना चाहेंगे कि आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम सारे तीनों बहुत खुश हैं और हम तिरंगा के कलर में आए यहाँ पर। रियली? यू डिडंट नो दैट? नो, व्हाट इंडिपेंडेंस डे इज इट? यू आर नॉट वेयरिंग द कलर्स? 4th ऑफ जुलाई। वी सपोज्ड टू बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे फॉर व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे? अमेरिका? ऑन अ वेरी बैड जोक फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियस नवीन, रियली गॉट सीरियस। इनफैक्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे रिएक्ट करूं, तो गर्मी इतनी है, ऊपर से इनका जोक पे रिएक्शन इतना गर्म था। अच्छा बहुत तैयारियां कर रहे हैं, हर दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है, पूरी टीम पहुंच रही है, द डिफरेंस फ्रॉम लास्ट सीजन इसकी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, सब रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में लगे हुए हैं सब जोरों शोरों में, और इस साल लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, दैट्स रियली कूल टू वॉच, बिकॉज मैं जाता हूँ प्रैक्टिस पे तो नवीना पहुंच जाती है टाइम पे, जिस टाइम पे वो बोलती हैं वो आ रही हैं उस टाइम पे आ जाती हैं, पहले आ जाती है, 20 मिनट पहले मैं तो शटर यही उठाती है। इनकी बॉलिंग बेहतरीन होती जा रही है पहले से, नो यू आर रियली गेटिंग बेटर एंड आई थिंक थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हम प्रैक्टिस करें, उम्मीद यही रखते हैं कि जब तक पिच पर उतरेंगे एक्चुअल मैच खेलने के लिए अच्छे हो जाएंगे। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था विद द एंटायर टीम्स ऑफ बीसीएल, वो हमने बहुत ही बेहतरीन खेला था, हमारी टीम मुंबई वॉरियर ने तो जीते थे हम। आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, इसमें जो भी करण ने बोला बिल्कुल सच है, बस एक चीज ये है कि द एक्स फैक्टर जो हमसे सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एक्स फैक्टर ऑफ मुंबई वॉरियर्स, आई थिंक द गर्ल्स ऑफ मुंबई वॉरियर्स आर द एक्स फैक्टर्स, बिकॉज इस गेम में बीसीएल, आई एम टेलिंग यू एज अ प्लेयर, बिकॉज द बॉल इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर? You mean cricket player or player? So he's saying this as a player. I'm saying this as a cricket player that because the ball is so tough to bat and to ball. You know, it's just now sounding. Har cheez galat sound kar rahi hai. I'm saying this as a player that the ball is very tough to bat and ball. It has a mind of its own. So all the girls who are bowling with that ball are amazing. And I think the way to bat for a girl is very tough. So Kamal, the fact is that this all the girls sounded totally wrong in my head. I have no clue where this is going. I think you should cut it right now. Yeah. जी क्या? सूट के
नहीं बड़ा मजा आता है ऑनेस्टली. क्या होता है, एक तो डेली करते करते ना एक रूटीन सा बन जाता है जिंदगी में, तो यू गेट बोर्ड ऑफ दैट ऑनेस्टली. तो ये एक बड़ा अच्छा ब्रेक है फॉर ऑल द एक्टर्स, एक तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है सबके लिए, जहाँ पर यू नो द एंटायर इंडस्ट्री गेट्स टुगेदर. अगर आप एक दूसरे को जानते भी नहीं है तो आप एक ही टीम में, तो आपका मिलना जुलना हो जाता है. जैसे कि मैं नवीना को नहीं जानता था, यू नो आई मेट हर ऑन द फील्ड ऑफ BCL. तो गौरव फॉर एग्जांपल, हम इतने टाइम बाद मिले हैं, एक साथ शो किया था तो BCL पर मिले, तो मजा आ रहा है. मस्ती मस्ती में क्रिकेट भी हो जाता है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है आप सबके लिए. हाँ जी जी, मेरा शो आ रहा है 30 नवंबर से, हल्ला बोल सीजन 2 आ रहा है. पिछला सीजन बहुत ही अच्छा रहा था, यू नो ऑडियंसेस ने बहुत प्यार दिया था सीजन को. बड़े अच्छे एक बड़ा अच्छा कॉज है जिसका, जिसको मैं कहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, और मैं ये मानता हूँ कि वी नीड टू गिव मोर पावर टू वुमेन. तो हल्ला बोल लेकर आ रहा है सीजन 2, देखेगा ज़रूर, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट एंड आई वुड लव इट दैट इफ आई कुड गेट द ऑडियंस सपोर्ट. हैप्पी न्यू ईयर की, मतलब हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर की, अच्छा नए साल की. नए साल में बहुत वक्त है, बट मैं भी बहुत एक्साइट हो जाता हूँ जब नवंबर दिसंबर आता है. यू नो एक मौसम में एक बदलाव आ जाता है, यू नो अब कुछ नए फूल होते हैं जो नवंबर और दिसंबर में ही उगते हैं, तो जस्ट दैट स्मेल एंड दैट निप इन द एयर से लगता है कि आपको के यू अप्रोचिंग द न्यू ईयर. सो आई वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा. आई होप कि ये नया साल, आने वाला साल सबके लिए बहुत ही बेहतरीन हो. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूं करण टैकर और मेरी तरफ से सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. गौरव खन्ना और मेरी तरफ से सारे दर्शकों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप कि आपके आने वाले हर साल इस साल की तरह ही खूब हो और ढेर सारी खुशियां लाए. लव यू ऑल. दिगंगा सूर्यवंशी, सलाम अकबूल खान, मुस्कान अरोड़ा, नवीना बोले, शिवानी कश्यप. She's outside. Okay. Yes, okay. These are the women. First of all, please clap for them. They have been really alive to have with you. These are also joining us, please. Good. And let me also remind you, she's also the captain, so please give her a huge round of applause. Now calling the guys. Gaurav Khanna, Ashish Kapoor, Vipul Gupta, Advik Mahajan, Malav Rajda, Rohit Purohit, Puneet Sachdeva, Welcome Kriti, welcome to the Gillette family. It's great to have you here with us. Thank you so much Anuj, and thank you for the lovely words. Kriti, tell me, we're discussing luck versus confidence, we're discussing, yes. And you've come up with a very, very simple and yet very important question.